हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक है जहाँ में आप सबका स्वागत है। आज 20 जून है, भाई का बर्थडे है। हमारा ड्रेस का जो थीम है वो ये कलर का है, उसके लिए मुझे लेस देनी थी, मैं उसके लिए आई थी और अभी मैं जा रही हूँ घर। मेरा आउटफिट जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। इसमें क्या था, ये बहुत ही हल्का था तो ये बहुत उड़ रहा था, तो इसको नीचे थोड़ा वेट देने के लिए मैंने ये बॉर्डर पे लेस लगाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये रहा पापा का खाना फ्रेंड्स, जा रही हूँ इनके स्कूल में। हेड गर्ल की जो वोटिंग है वो भी हो चुकी है। हम लोग की नहीं, कल शायद कल आ जाएगा। तो कैसा है आज, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, बहुत बच्चे बोल रहे कि हमने आपको वोट किया, आपको किया, ऑल द बेस्ट। घर आ गए फ्रेंड्स, तुम लोग भी जल्दी से रेडी हो जाओ जाने के लिए। और भाभी ने क्या सरप्राइज प्लान किया है तो तभी पता चलेगा। अब भी कपड़े चेंज करो, ठीक है? ये पापा आपका फादर्स डे का गिफ्ट, ये आपके लिए एक लोअर है और एक ही लोअर है, ठीक है? ये सही आएगा फ्रेंड्स। ये देव भैया की टी शर्ट भी मैं देना ही भूल गई, ये उनके लिए लेके आई थी। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़, रेडी होके मिलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स रजा की ड्रेस, हमारे कलर कोड के हिसाब से जमील भाई ने एक दिन में सिल के दी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। हैप्पी हो तो? हाँ, अच्छी है बहुत है। और माशाल्लाह बर्थडे बॉय की अम्मी भी रेडी हो गई है। ये हमारे ड्रेस कोड के हिसाब से अम्मी का सूट है, ये हमने लिया था उस दिन भगवान कलेक्शन से। अच्छा ये पर्स मैचिंग। हाँ सलाम, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को और सोएब के दोस्तों को सलाम सबको, मेरे बच्चों को सब दुआ देना आज, ठीक? और आप ही सब अच्छे रहो बेटा। तो देखिए ड्रेस कोड के हिसाब से सबा भी रेडी हो गई है। ये मेरा सूट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और फ्रेंड्स आज ही बारिश नहीं चाहिए थी। और ये क्या हो रहा है रिजा? सब लोग बैठ चुके हैं, आगे अंकल बैठे। अंकल हाय कर दीजिए। हाय, हाउ आर यू? और ये है अम्मी, कीजिए हाय रिजा रेहान। हाँ ट्रक के पीछे, तुम्हारे आगे एक बस जा रही है, ओपन बस। हाँ जा रही है। हाँ दिख गए, पूरा समझ में आ गया। आ गया हाँ, अभी पूरी बस। कैसे बहुत अच्छा, बस जा रहा है अभी उधर के। अब कहाँ जाना है इसके आगे? अभी आप चल लो, अब देखना। सरप्राइज बहुत अच्छा, मतलब पूरा घूमेंगे अभी। ये भाभी का प्लान था और बहुत अच्छा था, बस ये था कि भाभी ने मुझे दो दिन पहले बता दिया था। तो भाभी ने तुमने बताया नहीं? बताया, अगर बता देती तो फिर क्या मजा आता। अम्मी अकेले मैं जाओ आपके पास, ये सीरियसली लेके आए थे तुम भी? डिनर के लिए सीधा उधर आई। पापा सिस्टर वॉक तो नहीं कराएगी? नहीं नहीं, आज छुट्टी आ चुकी है, खाना खाने आएगी। हम लोग की हर चीज की दुआ मांग लिया करो, सब भाभी के पास जाओ दुआ कराने। सीरियसली इतनी ज्यादा बारिश थी, नहीं था? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं अल्लाह नहीं होने देंगे, अल्लाह नहीं, मेरा प्लान स्टॉप नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, और उसके बाद डिनर के लिए हम लोग जा रहे हैं ट्राइडेंट। बिना आए हुए पसंद है, सिर्फ नाम सबके पसंद है। क्यों? क्योंकि फिल्म में देखा था। कौन सी फिल्म में?
2611 और ऐसा सोना था लेकिन दिखाया नहीं उसमें। आते साथ यहाँ पे वॉशरूम में आ गए हैं तो हमने टचअप कर लेते हैं और वॉशरूम बहुत मजा आया। अच्छा लगा कि कभी मतलब इतने 8 सालों में बंबई में कभी ऐसा सफर नहीं हुआ जितना अच्छा मुझे आज लगा। सीरियसली बहुत अच्छा सरप्राइज था भाभी, नई चीज दिखाई दिल्ली का। हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गए हैं लेकिन बहुत मजा आया। रिजा को भी अपना कुछ काम है, क्या काम है? प्रोजेक्ट का काम है बेचारी का। और ये है अम्मी और ये है रेहान, ये लोग सोते हुए आए हैं, घर थक गए हैं सोए थे। हाँ अम्मी कराटे बजाते हुए आई है और बाकी बातें फ्रेंड्स इंशाल्लाह हम आपसे कल करेंगे, अभी बहुत ज्यादा थकान है। कल के बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे 23 जून को क्योंकि रेहान के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, मैं उसे कटाने के लिए आई हूँ और हमेशा की तरह उसको समझा रही हूँ कि छोटे करा लो छोटे करा लो। जब तक रेहान के हेयर कट हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में बात कर लेते हैं क्योंकि काफी दिनों से टलता जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराना था वो हो गया है, कल से वो सिखाएंगे इंशाल्लाह आधे घंटे 20 दिन के लिए और कह रहे हैं साथ में आपको लाइसेंस भी दिलवा देंगे। मैंने पूछा ऑटोमेटिक या मैनुअल तो उन्होंने बोला मैनुअल क्योंकि मैनुअल होना चाहिए इसलिए तो हम ऑटोमेटिक पर चला सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा ना भैया। हाँ थोड़ा ज़रा ये लगेगा, बड़ा गाड़ी है ना देखने के लिए। इसमें नहीं सिखाएंगे, वो उनकी गाड़ी में सिखाएंगे, उनके बाद में अपने इधर आएंगे ना। हाँ जब इधर आएंगे। ये नहीं है सिर्फ आ जाए मजबूरी में, बाकी तो आप हो ही। छोटे कराओ बड़े, इससे छोटे नहीं कराए। अरे रिदापी ऐसे कि ये इसके बाहर जाएंगे तो मतलब बड़े इसके तो बहुत आ रहे होंगे। ये स्कूल में तुम देखना, स्कूल में बोल उन्होंने अभी तक बोला ही नहीं कुछ, जब बोलेंगे तो करा देंगे। बारिशों में इनको सैंडल पहन के आना होता है स्कूल में तो उसके लिए सैंडल दिलानी थी, वहाँ पे आए और अम्मी की फरमाइश थी कि उनको एक सूटकेस चाहिए कपड़े रखने के लिए और यहाँ पे देखो अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है। ये बैग कितना अच्छा लग रहा था ना, काश हम फिर से कॉलेज जाते ये वो। खैर छोड़ो, अभी हमने अम्मी के लिए रेड वाला सूटकेस पसंद कर लिया है। सही है, सही। अब यही हो गया आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। सबसे अच्छा गिफ्ट मेरा यही। हाँ तो एनिवर्सरी है अभी पापा की, अभी मुबारक हो अभी से। अभी से मुबारक हो, ठीक है अच्छा है ना। अच्छा फाइनली भाई के बर्थडे के बाद मिल रही हूँ, मतलब 23 जून को मिल रही हूँ। बीच में कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा टाइम भी नहीं था, आपको भी पता था क्योंकि हर वक्त तो एडिटिंग में बिजी रहती हूँ और इस बार सोचा कि थोड़ा सा टाइम ऐसे कर लूँ लेकिन इस बीच में काम थे हम लोगों को। एक दिन रेहान के साथ जाना था, फिर कल मुझे सनी को भी वापस छोड़ने जाना था, फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है ना, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ आपको पता ही है, तो हर चीज में आने में इतनी खुशी और जाने में रोना, खैर ये सब तो होता रहता है। और आपकी बहुत सारे विशेष अब भी आ रहे हो, आपको पता है मैं बाहर भी निकलती हूँ ना, जब अभी मार्केट गई थी जैसे तो हर कोई मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, मतलब इतने दिल से आप लोग मेरी खुशी में खुश हो रहे हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लव स्टोरी बताओ लव स्टोरी बताओ, तो देखो लव स्टोरी तभी अच्छी लगती है जब दो लोग साथ में बैठ के बताते हैं, जब इंशाल्लाह ऐसा मौका आएगा जब हम साथ में बैठ के बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। बोल रहे छुपी रुस्तम या तुमने इतने साल से नहीं बताया, तो देखो मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और लव मैरिज का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने एक दूसरे को पसंद किया और किसी को इतना कन्विंस नहीं किया तो बस अब कर ली जिद करके बस उसी वक्त करा लिया, ऐसा नहीं होता है। अपने घर वालों को भी खुश करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है और हर लव स्टोरी में ये हमेशा होता है कि या तो दोनों की फैमिली नहीं मान रही होती, एक की मान रही होती तो एक की नहीं मान रही होती है। अगर चलो सब कुछ ठीक हो भी जाता है तो फिर सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़का क्या करता है। भाई इस मामले में बहुत अच्छे मतलब एक लड़के है ना तो वो हर एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं भाई जो होते हैं या फिर जो पापा लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, वो अपने आप को एक लड़के की जगह रख के नहीं देखते, लेकिन भाई हर चीज से गुजरे हैं, वो आज के जमाने के हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं आप शालू जिससे शादी कर रही है तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो या लाखों कमाता हो। उनका हमेशा से एक ये था कि जिसके साथ भी शादी हो रही ना वो खुद से अपने मतलब खर्चे उठा सके, जरूरतें पूरी कर सके जो मिनिमम सी होती है, बस उनकी यही ख्वाहिश थी। तो फ्रेंड्स मुद्दे की बात यह है कि जब सनी मुझसे मिला था उस वक्त शायद वो दिल्ली में कोई जॉब
जॉब करता था वो छोड़ चुका था, उसके बाद वो कुछ नहीं करता था कुछ मंथ्स तक। तो मैंने उसको क्लियर कह दिया था कि देखो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसके पापा के पास ऐसा है, मतलब मदहाम जैसा होता है खेती वो सब, वो नॉर्मल भी रह सकता था, मतलब नहीं भी जॉब करेगा तो उसका लाइफ स्टाइल चल सकती थी। लेकिन हमने उनसे कहा कि देखो भाई को चाहिए कि आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब तुमको कुछ करना पड़ेगा, मैं आप कर रही हूँ, इतनी फॉर्मल नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा दोस्त के जैसे हैं तो हर तरह से बात करते। तो मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके लिए काफी रुकना पड़ा, फिर जॉब के लिए वहां पे गया, फिर वहां पे पहली बार में 2 साल बाद आया, उसके बाद दोबारा जा रहा है नहीं जा रहा है, घर वालों को यकीन नहीं होता कि चलो एक ही बार चला गया। वहां पे उसको बहुत मेहनत भी पड़ी उसके लिए, मतलब मेरे दिल में इस बात की बहुत इज्जत है क्योंकि घर से दूर जाना, इतने प्यार के माहौल को छोड़ के दूर जाना ऐसी कंट्री में जहां आपको कुछ काम नहीं आता हो, एक ऐसी पोस्ट पे काम करना जहां पे आपको कंप्यूटर से आपने पहले तो कुछ किया नहीं है, अब उस टाइम आपको पूरा कंप्यूटर का काम, साथ साथ इंग्लिश भी नहीं आती, साथ साथ अरबी भी नहीं आती प्रॉपर वाली, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। तो वो सब उसने किया, वहां पे 4-5 साल रहा, उसने अपने आप को प्रूव किया। इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई, ये सब आपको मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि इन सब चीजों में इतना टाइम लग जाता है और हमें सीरियसली 7 साल लगे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हमने और सनी ने हमेशा से सोचा था कि घर वालों को, माँ बाप को स्पेशली, हमेशा सुकून में आ जाना चाहिए, उनके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि पापा को जो है वो इतनी अब ज्यादा इतना समझ नहीं है, वो सनी को पहले देखते थे छोटे में तो उनको सनी पसंद था, मतलब उन्हें ऐसा नहीं था कि नहीं इससे नहीं करना है। लेकिन मेन जो मुद्दा था वो भाई भाभी को मनाना क्या है कि उनको दिल में सुकून आ जाना। भाई भाभी बहुत स्ट्रिक्ट वाले तो है नहीं, आपने देखा होगा बहुत ही आज के जमाने के हैं, लेकिन एक बहन की जब बात आती है तो हर एक छोटे मोटे डर होते हैं, वो डर हमने दूर किए, सनी के घर वालों के जो डर थे वो दूर किए। वो कौन कौन से डर थे वो बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर आसपास के लोग, रिश्तेदार, बहुत सारी बातें, तो बहुत टाइम लग गया। बस इसीलिए इतना टाइम छुपाना पड़ा क्योंकि जब तक कोई चीज पक्की नहीं हो जाए तो हम बता नहीं सकते। हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि हमारी शादी होगी या नहीं भी होगी, दिल में यकीन था कि हाँ हमें एक दूसरे से ही करना है, लेकिन वो कब होगी और कैसे होगी ये बहुत ही मुश्किल था, इसलिए आप सबको नहीं बता पाई। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है इंशाल्लाह काफी हद तक, तो इसीलिए अभी आप सबसे भाई ने शेयर किया। तो आप सबको बताने का ये मतलब था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो हिम्मत रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। आप तो सोचिए, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि हमारी इंगेजमेंट होने वाली थी, हम लोग जा रहे थे, जब बीच में आया था यूट्यूब पे कि सबक की इंगेजमेंट हो गई, लेकिन इंगेजमेंट हुई नहीं, हमारी तैयारियां हो गई, हमें टिकट करके निकलना था और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई चीज कैंसिल हो जाए तो सोचो कैसा लगता है। वो कपड़े, वो ज्वेलरी अभी तक मैंने दोबारा देखी भी नहीं है, अभी तो मैं बहुत हंस के बता रही हूँ लेकिन उस वक्त बहुत धक्का लगता है, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन फिर आखिर में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सब ठीक हो जाता है और आगे भी मुझे आप सबकी दुआओं की जरूरत है क्योंकि आगे भी सब कुछ ठीक होता रहे, जैसे अभी अल्लाह ने खुशियां दी है इतने सालों बाद। लेकिन लास्ट में मैं आपको बस एक चीज कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें आप सह लेते हो क्योंकि अगर आपके जो सामने, जो आपके साथ है, जो आपका पार्टनर है, वो अगर आपको खुश रख रहा है, आपके लिए एफर्ट ले रहा है, एफर्ट मैटर करते हैं, एफर्ट लेने में अगर उसको 7 साल लग भी गए तो ठीक है, लेकिन वो लेता रहा। हर एक की फैमिली का माहौल अलग होता है, सबको मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आपको भी उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए उसको, वक्त अगर वो ले रहा है तो उसे भी समझना चाहिए। तो मैंने भी बस वही किया क्योंकि मुझे उसका भी साथ चाहिए था और मुझे घर वालों की भी खुशी चाहिए थी, तो अब जब दोनों खुश हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलती अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जो भी मैं बता पाई हूँ आपको समझ आ पाई हो तो ठीक है क्योंकि इतनी आदत नहीं, और अकेले बैठ के कैमरे के सामने इतनी बात करना मुझसे नहीं होता है। आपसे मिलते हैं अम्मी पापा की एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, बहुत ही मजा आएगा, देखते हैं अम्मी कैसे रेडी करूंगी, अम्मी दुल्हन बनके कैसे लगेगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, आई लव यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू भाई को इतना सारा विश करने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता को इतना पसंद करने के लिए, और मुझे और सनी को भी इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू।